हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट टू। और इस क्लास में हम देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत ही यूजफुल रहेंगे आपके लिए, सभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए और सभी SSC एग्ज़ाम्स के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में और SSC एग्ज़ाम में, और इनका यूज़ होता है फिलर्स में, सेंटेंस करेक्शन में, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में। तो चलिए देखते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3 ऑफ, ठीक है, ये फ्रैक्शंस होते हैं। यहाँ पर लिखा है 3/4। तो इसमें आप हमेशा ये याद रखिए कि वन के बाद, देखिए वन के बाद हम किसी भी नाउन में एस नहीं लगाते, ठीक है। तो जो करेक्ट जो एक्सप्रेशन है वो 1/3 है, और वन के बाद, वन के अलावा कोई भी न्यूमेरल हम यूज़ करेंगे, 2, 3, 4, तो उसके बाद हम हमेशा नाउन में एस लगाएंगे। देखिए, 3 में एस लगा हुआ, 3/4 में हम हमेशा यहाँ पर एस लगाएंगे, 1/3 में हम एस नहीं लगाएंगे। तो एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, दूसरा 1/3 के बाद जो अनकाउंटेबल नाउन आएगी, तो अनकाउंटेबल नाउन जो होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है, हमेशा ये ध्यान रखिए। और काउंटेबल नाउन जो होगी उसका जो 1/3 होगा वो हमेशा प्लूरल ही होगा, ठीक है। जैसे ये 100 स्टूडेंट हैं, तो 100 स्टूडेंट का जो 1/3 होगा वो हमेशा प्लूरल ही होगा। तो एक तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, सेम कॉन्सेप्ट इसमें है, इसमें केवल आपको बस एस याद रखना है कि 3 के बाद 3/4 या 2/3, इनमें आपको एस लगाना है। और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होगी और काउंटेबल नाउन प्लूरल होगी। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है, रूल्स को रटना नहीं है, क्योंकि रूल्स एग्ज़ाम में याद नहीं रहते, रूल्स कंफ्यूज कर देते हैं आपको। कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक को आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए 1/3 ऑफ द मिल्क वॉज यूज्ड, ठीक है। तो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, 1/3 में एस नहीं लगाया, तो ये सेंटेंस सही है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर 3/3 में एस नहीं लगाया, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो कि काउंटेबल है तो उसमें एस लगाना पड़ेगा आपको, तो स्टूडेंट में एस लगाए, और चूंकि ये नाउन काउंटेबल है तो इसमें हैप लगा हुआ है, ये सेंटेंस सही है। तो इस तरीके से आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। स्टूडेंट्स जितने भी होंगे, सपोज 100 स्टूडेंट हैं या 50 स्टूडेंट हैं या 20 स्टूडेंट हैं, उसका 1/3 जो होगा वो हमेशा प्लूरल ही होगा, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन है, 1 किलो दूध है, तो 1 किलो दूध का अगर 100 ग्राम या 200 ग्राम भी आप देखते हैं तो वो भी अनकाउंटेबल ही होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल का कितना भी आप फ्रैक्शन कर दें वो अनकाउंटेबल ही रहेगा, और प्लूरल का आप कितना भी फ्रैक्शन कर दें तो वो प्लूरल ही रहेगा, ठीक है। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 10, 20, 50 होते हैं। नॉर्मली हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि 2 स्टूडेंट हैं और उसका हम बोल रहे हैं कि 1/3, तो नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते, इसको आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए 3/4 लिखा है, तो 3 के बाद हम एस लगाएंगे तो ये सही है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए यहाँ पर वॉज लगाया है, ये सेंटेंस सही है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स है तो प्लूरल होगा ये, यहाँ और इसके बाद ये वर आएगा, तो ये सही है सेंटेंस। अब इसमें सेंटेंस गलत कब होगा? गलत जब होगा जब यहाँ पर आप, जैसे यहाँ पर 3/3 में आप एस लगा देंगे तो 1 के बाद एस नहीं आएगा, यहाँ से आप एस हटा देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मिल के बाद आप वर लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स में से एस आप हटा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। अब आप देखिए परसेंट, तो परसेंट एक क्वांटिटी है, वो सिंगुलर में होगी हमेशा। 10% ऑफ द वर्क, वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो उस वर्क का कितना भी हिस्सा हो वो अनकाउंटेबल ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर आपका ये आया है जो कि सही है। और 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, तो स्टूडेंट्स की जो संख्या है उसका जो 90% होगा वो हमेशा प्लूरल ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर आपको एस लगाना है और यहाँ पर आपको हमेशा हैव लगाना हैज़ नहीं आएगा। इस तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को आपको देखना है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मोर देन वन, या मोर क्वेश्चन देन वन, या मोर सिटी देन वन, ठीक है। तो इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, मोर देन वन जो है वो सिंगुलर है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए कि मोर देन वन में आप सबसे पहले वन को देखिए, वन क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के बाद हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही तो रखेंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो होगा वो सिंगुलर में आएगा, मतलब वन के बाद कोई भी नाउन आएगी वो सिंगुलर में आएगी, क्योंकि वन सिंगुलर होता है, और चूंकि नाउन ये सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर में आएगी। और मोर देन वन के स्थान पर यदि आप मोर देन टू, मोर देन थ्री, मोर देन फाइव, मोर देन 20 यदि रखते हैं तो वो डेफिनेटली प्लूरल हो जाएगी, नाउन प्लूरल हो जाएगी, और नाउन जब प्लूरल होगी तो ये सब्जेक्ट, ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल हो जाएगा। तो ये सारे करेक्ट सेंटेंसेस यहाँ पर मैंने दिए हैं।
ये तीसरा जो सेंटेंस है इसमें जो नाउन लगाई है ये वन या टू के आगे ना लगाते हुए मोर के आगे लगाया है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि मोर का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए मोर के बाद जो नाउन यहाँ पर आएगी ये हमेशा प्लूरल में आएगी, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है मोर स्टूडेंट्स देन वन ये प्लूरल माना जाएगा। तो ये तीनों सेंटेंस आपके जो यहाँ पर दिए हैं ये करेक्ट सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर ये दिए हैं। अब देखिए मोर देन वन क्वेश्चंस, अब वन के बाद यहाँ पर क्वेश्चन लगा दिया है तो ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि वन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। मोर देन वन क्वेश्चन ये सही है क्योंकि वन के बाद क्वेश्चन लगाया है और क्वेश्चन के बाद हैज़ लगाया है, तो ये सेंटेंस सही है आपका। इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को याद करना है, रटना नहीं है आपको किसी भी चीज़ को। अब आप देखिए मोर देन 200, 100 में एस लगा दिया, डिजिट के बाद जब 100 आएगा तो उसमें एस नहीं लगाएंगे, तो ये आपका गलत हो गया। मोर देन 200 सोल्जर्स वर किल्ड इन दैट बैटल, ये सेंटेंस सही है क्योंकि मोर देन 2 प्लूरल होगा और प्लूरल के बाद वर आएगा, तो ये सेंटेंस सही है। मोर स्टूडेंट्स देन वी एक्सपेक्टेड हैज़ पास्ड, ये हैज़ लगा दिया, यहाँ पर गलत है ये क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है, ठीक है। मोर स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट में से एस हटा दिया तो ये गलत है क्योंकि मोर के बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल में आएगी। और तीसरा सेंटेंस पूरी तरीके से सही है क्योंकि यहाँ पर एस भी लगाए, मोर के बाद हम एस लगाएंगे और यहाँ पर ये हैव भी लगाए, तो इसलिए ये सेंटेंस सही है। तो इसमें मैं आपको रूल नहीं बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे और आप हमेशा लॉजिक अप्लाई करेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे एग्ज़ाम में। कुछ और देखते हैं। मोर मिल्क देन वी कंज्यूम हैज़ बीन गिविन टू अस, सही है क्योंकि मिल्क जो होगा वो हमेशा अनकाउंटेबली होगा, ठीक है। और मिल्क में यहाँ तो एस लगा ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। मोर मिल्क देन वी कंज्यूम, ये हैव हो गया तो हैव गलत हो गया यहाँ पर ये, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ हम हैव नहीं लगाएंगे, ये सही है यहाँ पर हैज़। मोर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, ये सही है क्योंकि मोर के बाद क्वेश्चंस लगाए। मोर क्वेश्चंस देन वी गेस्ड हैव बीन आस्क्ड, ये भी सही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करिए। और देखिए इस तरह के कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि सिंगर आफ्टर सिंगर, पेज आफ्टर पेज, ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर, डे आफ्टर डे, इस तरह के सिचुएशंस में ये परफॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, हम हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं। जैसे उसने, वह पेज के बाद पेज पढ़ रही थी, वह एक एक करके पेज पढ़ रही थी, सपोज ये सेंटेंस है या कोई भी सेंटेंस है, सपोज ये सेंटेंस है, सिंगर आफ्टर सिंगर वॉज कमिंग टू परफॉर्म, मतलब एक के बाद एक सिंगर परफॉर्म करने के लिए आ रहे थे, ठीक है। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस में हम हमेशा ये जो आफ्टर होता है, आफ्टर के पहले और आफ्टर के बाद में सिंगुलर नाउन का ही हम यूज़ करते हैं। रो अपॉन रो, सिंगर आफ्टर सिंगर, रोज अपॉन रोज, ये गलत हो गया क्योंकि इसका मतलब होता है एक के बाद एक, और इस तरह के एक्सप्रेशंस में हम हमेशा सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंसेस सारे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, गलत और सही सेंटेंस मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कौन सा सेंटेंस गलत है और वो क्यों गलत है, और कौन सा सेंटेंस सही है और वो क्यों सही है। यहाँ पर ये वन ऑफ द वाले देखते हैं। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, देखिए इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है जिसमें वन के बाद एक नाउन लिखी है और उसके बाद फिर वर्ब लिखी है, तो वन के बाद जो नाउन आएगी वो हमेशा प्लूरल में आएगी और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर में आएगी। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू आगरा, मतलब उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और उसमें से एक फ्रेंड जो है वो आगरा जा रहा है, फ्रेंड्स उसके बहुत बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स लगेगा, और चूंकि एक फ्रेंड आगरा जा रहा है तो इसलिए यहां पर इज लगेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में जिसमें ये रिलेटिव प्रोनाउन आता है उसमें यहां पर जो वर्ब आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो वर्ड दिया है जिसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, उसके अकॉर्डिंग आएगी। दिस इज वन ऑफ हिज बुक्स विच हैव बीन पब्लिश्ड, तो इसका मतलब क्या है कि ये उन बुक्स में से एक है जो उसकी पब्लिश हुई है, मतलब उसकी काफी सारी बुक्स पब्लिश हुई है, ये सेंटेंस का मतलब है, तभी तो यहाँ पे लिखा है विच हैव बीन पब्लिश्ड और ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ हिज बुक्स, यहाँ पर बुक्स आएगा और यहाँ पर हमेशा हैव आएगा। इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है और इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ है, ऊपर वाले सेंटेंस में, नीचे वाले में हुआ है। दिस इज वन ऑफ हिज बुक्स विच हैज बीन पब्लिश, ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर ये जो हैज है ये इससे जुड़ेगा जो कि प्लूरल है। लेकिन ओनली वन, देखिए देखिए इसको आप ध्यान से देखिए,
दिस इज ओनली वन ऑफ हिज बुक्स दैट इज अवेलेबल हेयर. यहाँ पर ओनली वन है मतलब उसकी बुक्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन यहाँ पर उसकी एक ही बुक अवेलेबल है, ये सेंटेंस का मतलब है और ये सेंटेंस करेक्ट है. ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु इज गोइंग टू अमेरिका. गलत क्यों है? क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स अमेरिका जा रहे हैं और वह उनमें से एक है. तो यहाँ पर हम बोलेंगे प्लेयर के साथ ये जुड़ेगा और यहाँ पर हम बोलेंगे आर. तो किसी भी चीज़ को रटिए मत, कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए. आई मेट ए बॉय हु वॉज प्लेइंग इन माई गार्डन, ये सही है सेंटेंस. दिस इज ओनली वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वॉज आस्क्ड, ये सेंटेंस सही है क्योंकि क्वेश्चन तो काफ़ी सारे थे लेकिन उनमें से केवल ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था. तो ये सेंटेंस आपका सही है. ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अब इसमें क्या लगाएंगे हम? देखिए इसमें आप यहाँ पर हिज भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं और देयर भी लगा सकते हैं. देयर आप इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ईच बॉय और ईच गर्ल ये सिंगुलर को एक्सप्लेन करते हैं, सिंगुलर को इंडिकेट करते हैं. ईच का मतलब होता है प्रत्येक, देखिए इसमें एक आ रहा है तो ईच बॉय का मतलब है प्रत्येक लड़का और ईच गर्ल का मतलब है प्रत्येक लड़की, मतलब ये सिंगुलर एक्सप्रेशंस हैं. तो देयर नहीं आएगा, हिज या हर में से कोई भी एक आएगा. लेकिन हिज या हर में से हम क्या लेंगे? हिज या हर में से जो भी यहाँ पर पास वाला नाउन है उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे. तो हिज और हर के गर्ल यहाँ पर पास में है और बॉय दूर है तो गर्ल के अकॉर्डिंग हम लेंगे. तो यहाँ पर आपका आंसर होगा हर, ये मैंने लिखा हुआ है. और यहाँ पर चूंकि बॉय पास में है तो यहाँ पर आपका आंसर होगा हिज. अब यहाँ पर एवरी वन दिया है तो एवरी वन में तो दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं, बॉय गर्ल मैन वीमेन दोनों ही आ सकते हैं. तो इसलिए इस सिचुएशन में हम मैस्कुलिन जेंडर जो होगा उसको हम प्रेफर करेंगे. ठीक है, यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट है कि एक लड़का और एक लड़की, एक लड़की और एक लड़का, लेकिन यहाँ पर एवरी वन है मतलब जेंडर यहाँ पर इंडिकेट नहीं है, स्पेसिफाई नहीं है. तो इसलिए हम मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफर करेंगे. क्लॉज जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है. ठीक है, क्लॉज क्या होता है ये अभी मैं बताऊंगा आपको. क्लॉज और क्लॉज सिंगुलर होगा, मतलब दो क्लॉज जुड़े हुए हैं और से तो वो एक्सप्रेशन सिंगुलर होगा, और दो क्लॉज जुड़े हुए हैं यदि एंड से तो वो एक्सप्रेशन प्लूरल होगा. क्लॉज एक सेंटेंस का ही पार्ट एक होता है जिसका खुद का एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है. ठीक है, जैसे वॉट ही हैज़ डन सिंस मॉर्निंग इज नॉट नोन. अब देखिए इससे पहले जो भी पार्ट होगा वो सब्जेक्ट का होगा. ठीक है, इससे पहले जो भी ये पार्ट लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट का पार्ट है लेकिन ये सेंटेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर ही एक सब्जेक्ट है और हैज़ डन ये पूरी वर्ब है. तो इस पार्ट को हम बोलेंगे क्लॉज. ठीक है, तो इससे पहले वाला जो पार्ट है ये एक वर्ड के रूप में ना होके एक सेंटेंस के रूप में है तो इसलिए इसको हम क्लॉज बोलेंगे क्योंकि ये सेंटेंस का एक पार्ट है और इसकी अपनी सब्जेक्ट और वर्ब हैं. ठीक है, वॉट ही हैज डन सिंस मॉर्निंग इज नॉट नोन, मतलब उसने सुबह से क्या किया है ये किसी को पता नहीं है. तो इस तरह के सेंटेंसेस में ये जो क्लॉज होगा इसको सिंगुलर माना जाएगा और यहाँ पर हमने इज लिया है इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट मैंने दिखाया है, ये सेंटेंस करेक्ट है. वॉट, अब देखिए वॉट यहाँ पर मैंने ही हैज़ लिखा है और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, हैज़ ही, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया है. सेंटेंस गलत क्यों हो गया है? क्योंकि ही हैज़ मैं अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखता हूँ और हैज़ ही जो लिखता हूँ वो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन सेंटेंस में. वॉट ही हैज़ डन, अब चूंकि ये क्वेश्चन नहीं है इसलिए हैज़ ही यहाँ पर गलत है, यहाँ पर होगा ही हैज़. तो इसको आपको इस तरीके से समझना है. यहाँ पर आप देखिए वॉट ही हैज़ बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग मेक हिम हैप्पी. अब यहाँ पर ये जो क्लॉज है ये सिंगुलर में है, वॉट ही हैज़ बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्या कर रहा है वह उसको हैप्पी करता है, वह उसको खुश करता है, मतलब वह जो सुबह से कर रहा है वो चीज़ उसको खुश करती है. तो चूंकि क्लॉज दिया है यहाँ पर ये पूरा एक क्लॉज, और क्लॉज कैसा होता है सिंगुलर होता है तो इसलिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी. तो इसलिए यहाँ पर मेक में हम क्या कर देंगे, मेक्स कर देंगे. बहुत ही अच्छा ये सेंटेंस है और इस तरह के सेंटेंस SSC एग्जाम में और टीचर्स TGT PGT एग्जाम में काफ़ी आते हैं, बैंकिंग एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं इस तरह के सेंटेंस, पर्टिकुलरली क्लरिकल एग्जाम में. और यहाँ हम देखते हैं ही शुड गेट मैरिड और ही शुड रिमेन सिंगल.
आर हिज ओन चॉइस। अब इसमें देखिए और से दो क्लॉज जुड़े हुए, एक क्लॉज ये है और से पहले और एक क्लॉज आपका ये है और के बाद, तो दो क्लॉज इसमें और से जुड़े हैं इसलिए आर ना आते हुए इसमें क्या आएगा, इसमें इज आएगा। और नीचे वाले सेंटेंस में दो क्लॉज किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, इसलिए नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है, ऊपर वाला गलत है। एक कॉन्सेप्ट ये भी बताता हूं मैं, व्हाट डज ही डू हम नहीं बोलेंगे यहां पर, हम बोलेंगे व्हाट ही डज, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है। व्हाट डज ही डू तो हम तब बोलेंगे जब हम क्वेश्चन पूछेंगे कोई या क्वेश्चन लिखेंगे, चूंकि ये क्वेश्चन नहीं है इसलिए हम बोलेंगे व्हाट ही डज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करिए। अब देखिए यहां पर आप देखते हैं व्हाट ही डज एंड वेयर डज ही लिव, इसमें पहले वाला जो पार्ट है व्हाट ही डज ये करेक्ट है, लेकिन वेयर डज ही लिव यहां पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है। यहां पर हम लिखेंगे वेयर ही लिव्स, जैसे ये नीचे वाला सेंटेंस है तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। कुछ इनकरेक्ट और करेक्ट मैंने सेंटेंसेस दिए हैं यहां पर, इनको आप पढ़ सकते हैं और इंडिकेशन मैंने दिया हुआ है कौन सा सेंटेंस गलत है कौन सा सेंटेंस सही है। यहां पर भी आप देख सकते हैं और यहां पर मैंने वैरायटी और द वैरायटी का डिफरेंस बताया है, ए वैरायटी जो होगी वो प्लूरल होगी और द वैरायटी जो होगी वो सिंगुलर होगी। देखिए ए वैरायटी का मतलब है, वैरायटी का मतलब होता है कि एक ही तरह की काफी सारी चीजें, वैरायटी का मतलब होगा एक ही तरह की काफी सारी चीजें, तो जो चीजें काफी ज्यादा हैं तो इसलिए वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे जैसे ये सेंटेंस देखिए आप, ए वैरायटी ऑफ हिज ड्रेस, ठीक है, तो ये गलत क्यों है, क्योंकि यहां पर मैं बोलूंगा ड्रेसेस, क्योंकि वैरायटी का मतलब होता है टाइप, उस टाइप की काफी सारी ड्रेसेस, तो अ वैरायटी ऑफ हिज ड्रेसेस, अब इसमें ड्रेसेस चूंकि प्लूरल है तो इसलिए यहां पर वर लगना चाहिए, तो ऊपर वाला सेंटेंस इसमें ड्रेस है वर दिया है तो ड्रेस है, इसमें ड्रेसेस कर दिया है तो वॉज है, तो ऊपर वाले दोनों सेंटेंस गलत हैं। ठीक है, अब वैरायटी का मतलब सिंपल सा ये होता है कि बहुत सारी चीजें, उसी टाइप की बहुत सारी चीजें, तो इसलिए जो नाउन आएगी उसके बाद वो प्लूरल में आएगी और जो नाउन प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल में आएगी। और द वैरायटी का मतलब होता है वेरिएशन, और वेरिएशन जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, तो ए वैरायटी जो होगी वो प्लूरल होगी और द वैरायटी जो होगी वो सिंगुलर होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए यहां पर देखिए द वैरायटी ऑफ हिज प्रोडक्ट, ये यहां पर एस लगेगा प्रोडक्ट में इसलिए ये गलत है। ठीक है, और यहां पर द वैरायटी के साथ, द वैरायटी मतलब वेरिएशन, वेरिएशन सिंगुलर होता है तो इसलिए ये भी गलत है। और यहां पर आप देखें द वैरायटी ऑफ हिज प्रोडक्ट्स वाज एक्सीलेंट, ये नीचे वाला सेंटेंस सही है। उसी तरीके से ए नंबर ऑफ का मतलब होता है काफी ज्यादा, काफी सारे, तो ये प्लूरल हो गया। और द नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या, नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या, और संख्या कैसी होगी, हमेशा सिंगुलर होगी। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आर एब्सेंट टुडे, सही है ये सेंटेंस, क्योंकि ए नंबर ऑफ का मतलब होता है प्लूरल और प्लूरल वर्ब लगाइए यहां पर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9th इज इंक्रीजिंग, यहां पर है, यहां पर इस सेंटेंस का मतलब है कि क्लास 9th के स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, तो संख्या कैसी है, संख्या है सिंगुलर, तो इसलिए हमने यहां पर इज लगाया है, और ए नंबर ऑफ जो होता है वो प्लूरल होता है। यदि आप कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो कभी भी आप मात नहीं खाएंगे, और रूल्स को आप रटने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां पर मैंने काफी सारे सेंटेंस दिए हैं, इसको आप देख सकते हैं, और यहां पर देखिए देयर appears टू बी, देखिए इसमें फ्रेज क्या है, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, और अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम कैसा है, प्लूरल है, तो इसलिए वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल में आएगी। ये appears इसमें जो लगाया है ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो होता है उसके बाद प्लूरल वर्ब आती है, क्योंकि नंबर ऑफ का मतलब है संख्या या काफी ज्यादा, तो यहां पर एस नहीं लगा तो ये गलत हो गया। यहां पर appear भी सही है और नंबर के बाद प्रॉब्लम्स भी लगा है, तो ये सेंटेंस आपका सही हो गया। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को आपको याद करना है। टाइप जो होता है वो सिंगुलर होता है और टाइप्स जो होता है वो प्लूरल होता है। यहां पर देखिए दिस टाइप ऑफ मशीन्स, मतलब इस तरह की मशीनें, इस तरह की मशीनों का मतलब है कि उसी तरह की कई सारी मशीन्स, ठीक है,
तो यहां पर जो वर्ब होगी आपकी वो टाइप होगी, मशीन्स नहीं होगी। मशीन्स यहां पर सही लगा है, लेकिन टाइप जो कि सिंगुलर है उसके लिए वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर में आएगी, इसलिए ये गलत है। दिस टाइप, अब टाइप दिस जो है वो सिंगुलर को दर्शा रहा है, और टाइप आपने कर दिया प्लूरल, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, दिस सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, तो इसलिए दिस के बाद टाइप्स आप नहीं लिखेंगे, दिस के बाद लिखेंगे टाइप, तो ये सेंटेंस इसलिए गलत है। यहाँ पर दिस के बाद टाइप भी लिखा है और यहाँ मशीन्स भी लिखा है और यहाँ पे इज भी लिखा है, तो ये सेंटेंस सही है। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि किस किस तरीके से सेंटेंस गलत हो सकता है, ठीक है, तब आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और इस तरह के सेंटेंस में यू एंड नॉट योर सिस्टर, ये एंड नॉट के बाद जो सब्जेक्ट लगेगा वो प्रभावी नहीं होगा, इसमें एंड नॉट के पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा वो प्रभावी होगा। तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है, यू एंड नॉट योर सिस्टर। अब यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के साथ क्या वर्ब आती है, हैव आती है, हैज नहीं आती, इसलिए सेंटेंस सही है। ऐसे ही इन एडिशन टू वाले ये सेंटेंस हैं, ठीक है, वन बैग इन एडिशन टू फाइव बुक्स, इसमें वॉज लगेगा क्योंकि इन एडिशन टू के बाद जो सब्जेक्ट होता है, इन एडिशन टू और एज वेल एज से जो दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं उनमें जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है वो उसमें इफेक्टिव होता है। या आप मान सकते हैं कि इन जो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन से पहले वाला जो सब्जेक्ट है वो प्रभावी होगा, वो आपका इफेक्टिव होगा। ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, गलत क्यों है ये, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये गलत है सेंटेंस। ब्रेड एंड बटर इज नॉट अवेलेबल होगा, ब्रेड एंड बटर इज नॉट अवेलेबल, देखिए ये सही है सेंटेंस, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये सही है, ब्रेड एंड बटर आर नॉट अवेलेबल हेयर, ये भी सही है। इसमें देखिए ब्रेड एंड बटर मिलके आपका नाश्ता बना रहे हैं और नाश्ता है सिंगुलर, तो इसलिए सेंटेंस सही है। इसमें ब्रेड एंड बटर को हम एज ए कमोडिटी देख रहे हैं, एज ए सामान देख रहे हैं, एज ए कोई भी जो प्रोविजनल आइटम होता है उसको हम देख रहे हैं, तो ब्रेड एंड बटर यहाँ पर दो चीज़ें हैं तो इसलिए आर लगा हुआ है, ये सही है, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेड एंड बटर को एक ब्रेकफास्ट की तरह देख रहे हैं तो ये सही है, यहाँ पर हम यहाँ पर आर लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए ब्रेड एंड बटर, ये सेंटेंस एक्चुअली गलत है, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है, ब्रेड एंड बटर इज नॉट, ये भी सेंटेंस गलत है, तो यहाँ पर तो ये गलत का निशान लगा ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है। आगे हम देखते हैं इंडिया इज आर परफॉर्मिंग वेल इन दिस सीरीज, तो यहाँ पर हम इज परफॉर्मिंग बोलेंगे या आर परफॉर्मिंग बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे आर, क्योंकि यहाँ पर हम परफॉर्म कौन कर रहा है, परफॉर्म इंडिया कर रहा है या परफॉर्म टीम प्लेयर्स कर रहे हैं, टीम के जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं सीरीज में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस में हम हमेशा आर लिखेंगे, जैसे इंडिया आर परफॉर्मिंग वेल इन दिस सीरीज, ये सेंटेंस सही है। और इसमें क्या आएगा, इंडिया इज आर अ डेवलपिंग कंट्री, तो इस तरह के सेंटेंस में हमेशा हम इज लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका इज सही होगा, ठीक है। तो इसको आप कॉन्सेप्ट को आप समझें अच्छे तरीके से। अंडर ए ट्री वॉज स्लीपिंग सम स्ट्रेंजर्स, ये वॉज लगा है क्योंकि यहाँ पर रियल जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रेंजर्स है, इसलिए वॉज नहीं आएगा, तो स्ट्रेंजर्स प्लूरल है तो इसलिए वर आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये भी। 100 रुपीज, ठीक है, 100 के बाद रुपीज़ जो है वो सही है, और ए 100 रुपीज़ जो है वो अपने आप में एक अमाउंट है तो इसलिए इज लगा है, ये सही है। 5000 रुपीज़ ये एक फिगर है, ये एक अमाउंट है तो इज लगेगा, ये सही है। यहाँ पर आप आर लगा देंगे, यहाँ पर आप आर लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। 5 किलोमीटर्स ये सही है, लेकिन ये अपने आप में एक डिस्टेंस है, एक अमाउंट है, तो इज जो लगा है वो सही है। यहाँ पर आप आर लगा देंगे, किलोमीटर में से आप एस हटा देंगे तो गलत हो जाएगा वो। डिजिट्स के बाद जब 100,000 pounds जब आते हैं, डिजिट्स के बाद, जैसे डिजिट के बाद ये लगा हुआ है, इसे डिजिट के बाद मैंने बोला है 200, तो ये गलत है। डिजिट के बाद मैं 100,000, डजन या पाउंड, इनमें एस नहीं लगाऊंगा, ठीक है। किलोमीटर, 100 क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जितने भी होते हैं
उसमें मैं डिजिट्स के बाद एस नहीं लगाऊंगा, तो 200 यहां पर ये है, ये गलत है, इसलिए 200 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, ये सेंटेंस गलत है आपका, और 200 रुपीज इज नॉट ए बिग अमाउंट, ये सेंटेंस आपका सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है। किलोमीटर्स में आप एस लगा सकते हैं, लेकिन 100,000, डजन, पाउंड, इसमें आप एस तब नहीं लगाएंगे जब इनसे पहले कोई न्यूमेरल होगा। वैसे आप इनमें भी एस लगा सकते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन इनसे पहले जब डिजिट लगी होगी तब आप एस नहीं लगा सकते। यहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में इनका मतलब दिया है कि 100 का मतलब 100 होता है, 1000 का मतलब 1000 होता है, पाउंड का मतलब 0.45 केजी या 6 आउंस होता है, स्टोन का मतलब 14 पाउंड या 6.35 किलोग्राम होता है, ठीक है, स्कोर का मतलब 20 होता है, 100 वेट का मतलब 50.8 केजी होता है, या LB हम पाउंड को बोलते हैं, ठीक है, LB लिब्रा पोंडो, इसका ऐसे लैटिन वर्ड है ये, LB हम इसको बोलते हैं, तो ये पाउंड के लिए ही हम इसको यूज़ करते हैं। ग्रॉस 12 दर्जन को हम ग्रॉस बोलते हैं, 144 को, और यहाँ पर कुछ एग्जांपल सेंटेंस दिए हैं मैंने। देखिए ये 100 से पहले यहाँ पे ए लगाया, ये सही है। यहाँ पर नंबर्स, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ये सेंटेंस सही है, लेकिन 2 के बाद 100 में एस नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस आपका सही है। इसमें रुपी में आप यहाँ पर एस और लगाएंगे, ये सेंटेंस आपका सही है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ये, आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस, ये 3 के बाद डजन में एस नहीं लगा हुआ है, ये सेंटेंस सही है आपका। सम पीपल रीच द एज ऑफ 5 stone and 20, ठीक है, तो स्टोन में इसमें एस नहीं लगा है, तो ये सेंटेंस सही है आपका। ये यहाँ पर आप स्कोर भी लिख सकते हैं, एक्चुअली स्कोर, स्टोन का मतलब तो 6.35 केजी होगा, तो यहाँ पर स्कोर भी हो सकता है, एक्चुअली स्कोर यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं, द कार कॉस्ट मी 5000 रुपीज़, ये सेंटेंस सही है। ही वेज अबव 9 स्कोर, तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर आपका होना चाहिए स्टोन होना चाहिए यहाँ पर। स्कोर्स ऑफ पीपल ये सही है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल ये सही है, थाउजेंड्स ऑफ फैंस ये सही है। मेजॉरिटी क्या होता है, मेजॉरिटी को यदि आप पूरे ग्रुप को आप देख रहे हैं तो मेजॉरिटी सिंगुलर होगी, और यदि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आप बोल रहे हैं तो वो प्लूरल होगा। देखिए, द मेजॉरिटी ऑफ ईमेल यूजर्स, मतलब मेजॉरिटी का नॉर्मली मतलब होता है आधे से ज़्यादा, द मेजॉरिटी ऑफ ईमेल यूजर्स, हमेशा इसमें हम आर का प्रयोग करेंगे। अ 90% मेजॉरिटी इज, अब यहाँ पर इसको हम परसेंट के फॉर्म में ले रहे हैं तो इसलिए ये सिंगुलर होगी, ठीक है, ये सेंटेंस सही है आपका। और मेजॉरिटी शुड बी यूज ओनली विथ काउंटेबल नाउन, केवल हम इनको काउंटेबल नाउन के साथ ही इस वर्ड को यूज़ करते हैं मेजॉरिटी को। इफ़ द मेजॉरिटी विंस, तो यहाँ पर मेजॉरिटी का मतलब है बहुमत्ता, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह इसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक वर्ड है, ये सिंगुलर होगा, तो इसलिए इसमें एस लगा है, जो कि सही है। यहाँ पर मैंने टाइप जो होता है वो सिंगुलर होता है, टाइप्स जो होता है वो प्लूरल होता है, टाइप से पहले दिस आएगा, टाइप से पहले दीज आएगा, इसको आप हमेशा आप ध्यान रखिए। और कुछ सेंटेंस मैंने इसमें दिए हैं, इन सभी को आप आराम से पढ़ सकते हैं, इन सेंटेंसेस को, सारे करेक्ट सेंटेंसेस हैं ये, ठीक है। और इस वीडियो के बारे में यहाँ पर अपना फीडबैक दीजिए, मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कुछ एरर आपको लगी हो, कुछ गलती लगी हो, कुछ भी आपको लगा हो इसमें, तो आप ज़रूर अपना फीडबैक इस नंबर पर या इस ईमेल आईडी पर मुझे दें। इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करें, और फेसबुक पर है ये, यहाँ पर सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।